सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा, आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से मैं हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18 को देखिएगा। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाए जाओगे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जहाँ परमेश्वर कहता है कि यहोवा की ये वचन है, जिसमें यशायाह परमेश्वर का जो दास यशायाह है वो परमेश्वर से जब बात करता है तो परमेश्वर अपनी मर्जी को मनुष्य के प्रति जो उसकी मर्जी है उसको सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि जो परमेश्वर बातें कहते हैं उस बातों को यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि देखो यहोवा कह रहा है। क्या कह रहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर का दास जो यशायाह है वह हमसे और आपसे परमेश्वर के संदेश को सुना रहा है और सुनाकर कह रहा है कि आओ हम क्या करें, आपस में वाद विवाद करें, यानी बातचीत करें। आओ हम आपस में बातचीत करें। क्या बातचीत करें? कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। कहता है कि आओ इस विषय में बात करें। कहता है कि आओ हम तुम्हारे पाप के विषय में बात करें, आओ पाप के विषय में वार्तालाप करें। तो जब तुम उसे वार्तालाप करोगे, उन वार्तालाप में उन बातचीतों में तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के होंगे तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे वह अर्गमानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे अर्गमानी रंग के हो तो वचन में लिखा गया है कि चाहे अर्गवानी रंग के हो तो उनके समान श्वेत हो जाएंगे, उनके समान श्वेत हो जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे। वो पाप के विषय में, अर्थात ये वचन कह रही है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग यानी चाहे अर्गवानी रंग के हो। कहता है वचन में कि तुम्हारे पाप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, लाल रंग के अर्गवानी रंग के यानी हल्के रंग के और गाढ़े रंग के, यानी तुम्हारे पाप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, इसलिए तुम आओ मुझसे वार्तालाप करो, ताकि इस वार्तालाप में तुम्हारे पाप अगर लाल रंग के हों छोटे होंगे तो भी तुम उस पापों से मुक्त हो जाओगे, चाहे बड़े पाप होंगे तो भी उस पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के यानी छोटे पाप हो
तो भी वे क्षमा कर दिए जाएंगे, चाहे तुम्हारे पाप बड़े हों तो भी क्षमा कर दिए जाएंगे। कब क्षमा कर दिए जाएंगे? कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तब। कहता है कि ये काम तब होगा कि जब तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानोगे, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। यशाया कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे बातचीत करो, इन बातचीतों में तुम्हारे पाप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो दोनों क्षमा कर दिए जाएंगे, और क्षमा तब किए जाएंगे कि जब तुम उसके उसका आज्ञाकारी बनोगे, उनकी आज्ञाओं को मानोगे। तब वचन कहती है कि जब उनकी आज्ञाओं को मानोगे, यानी आज्ञाकारी होकर उस परमेश्वर की सुनोगे मानोगे, तो वचन कहती है कि जब मानोगे तब तुम्हारे पाप चाहे छोटे हों बड़े हों क्षमा कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा वचन कहती है कि इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, तब जाकर तुम्हें इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर रहते हो, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करने पाओगे, अच्छी अच्छी चीज को स्वीकार करने पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, सच में हमें अपने परमेश्वर से हमेशा वार्तालाप करना चाहिए, हमेशा बातचीत करना चाहिए, क्योंकि जब बातचीत हम परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते करते हमारे ऊपर तरस खाता है, दया करता है, हमारी गिड़गिड़ाहट को, हमारी विनती को सुनता है, और सुनने के बाद भारी दया के अनुसार हमारे पाप चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे हम थोड़े दिन पाप किए हों चाहे पूरे जिंदगी भर पाप किए हों, जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब वह क्या करता है कि हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है, हर पापों से मुक्त कर देता है। और ये पाप तभी मुक्त होते हैं कि जब तुम उस परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, यानी वार्तालाप करते समय जो परमेश्वर आपसे जो कुछ कहेगा आप उसकी आज्ञा को मानोगे, उसकी बातों को मानोगे, जो कुछ वह कहता है उसे स्वीकार करोगे, तब क्या करेगा, वह आपके पाप को क्षमा कर देगा, और आप जिस देश में रहते हो उस देश पे आशीष देगा, और उस देश में अच्छी से अच्छी वस्तुओं को ग्रहण करने पाओगे, अच्छे से अच्छे भोजन को ग्रहण करने पाओगे, अच्छी वस्तुएं खाने पाओगे। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर के अधीन रहो, हमेशा उसकी स्तुति में, आराधना में, उससे बातचीत में लगे रहो, हमेशा उसके संपर्क में बने रहो, ताकि वह परमेश्वर आपको क्षमा करे और आपको जीवन की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। जरूर रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। रिसीव करो, आंखों को बंद करो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तुम अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारियां, प्रभु यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आदेश करता हूँ, सारी बीमारी जाने पाए, प्रभु यीशु के नाम से हर बीमार आज चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को उतरने दे, आशीष को उतरने दे प्रभु, उस स्वर्गीय आशीष हर एक के ऊपर उतरे। देखो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर उतर रही है, आप उन आशीषों को रिसीव करो, जितने बीमार लोग हैं बीमार लोग अपनी आशीष को रिसीव करो। देखो परमेश्वर आपको छू रहा है, वो अपने हाथों को बढ़ाकर छू रहा है, आपके बीमारियों को छू रहा है, आप रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो आशीष को। देखो आशीष आपके जीवन में जा रही है, देखो आशीष जा रही है, रिसीव करो। रिंगवा सबारबा लबास्ते लिरी वास्ता खावा सुंदु सबारबा होली 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 रवा सिंदु सखारबा सिंदे लिरे। महान परमेश्वर अपने स्वर्ग की आशीष इनके जीवन में आने दे, ताकि जितने बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो सारे के सारे बीमार अभी चंगे हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, देखो यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं कि आपके शरीर की बीमारी निकल रही है, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं उनके शरीर की बीमारियां निकल रही है, महसूस करो निकल रही है, वो आपको चंगाई मिल रही है। रिंगबा सबारबा लबास्ते लेरे वास्ता खालबा सुंदु। देखो परमेश्वर के स्पर्श के द्वारा, ओ परमेश्वर की आशीष के द्वारा आपकी बीमारी जा रही है यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए जितने
पढ़ाई लिखाई करते हैं। हे परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के जीवन में तू आशीष दे प्रभु, ताकि उनका पढ़ाई लिखाई आगे पढ़ाई लिखाई में वह आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। जीवन में जितने भी लक्ष्य प्रभु यीशु तेरे नाम में पूरा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, जितने लोग तेरे सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम पिता पुत्र के नाम से, यीशु मसीह तेरे नाम से, हर एक के ऊपर हम तेरी आशीष को मांगते प्रभु। अपने स्वर का झरोखा खोल, महिमा की आशीष शरीर के ऊपर आने दे। जितने बेरोजगार है प्रभु, उन्हें आशीष दे, ताकि उन्हें रोजगार मिलने पाए। जितने नौकरी के तलाश में प्रभु, आशीष दे, ताकि उन्हें नौकरी मिलने पाए। जो गरीबी के श्राप में प्रभु, उन्हें आशीष दे, ताकि वह गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाए। जितने कर्ज के बोझ में दबे हैं, वह उनका कर्जा अदा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें हर प्रकार के कर्जे से मुक्त कर। हाँ मेरे प्रभु, इन्हें हर प्रकार के कर्जे से मुक्त कर। जिसके पास घर नहीं, घर देकर आशीष दे। जिसके पास चलने का साधन नहीं, चलने का साधन देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रार्थना सुनने वाले भाई हो या बहन हो, चाहे जो कोई प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरे, हर एक का जीवन आनंदित होने पाए। इनके जीवन में जितने लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, ये आपस में परिवार समेत आपस में मेल मिलाप का जीवन जीने पाए। इनके जीवन की सारी विपत्तियां कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। हर प्रकार के शैतानी बंधनों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आज, हर कोई हे परमेश्वर तेरे इस प्रार्थना के द्वारा आनंदित और भला चंगा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ होने पाए, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर प्रभु। हम विनती करते हैं, आकाश का झरोखा खोल मेरे प्रभु, और हर एक को नई आत्मा दे, हर एक को पवित्र आत्मा देकर तृप्त कर। ओ परमेश्वर, हर एक को तेरी आत्मा का स्पर्श होने पाए। ओ रीगा वासंदल, ओ रिवासा खला वसुंधु, देखो हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रही है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। ओ पवित्र आत्मा सुले रेखा बासंदू ले बाबा सबरबा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक को तेरे आत्मा का स्पर्श हो जाए, हर कोई आत्मा में भर जाए और आत्मा की सामर्थ्य में भर जाए प्रभु, तेरे तेज के द्वारा भर जाए, लहू के सामर्थ्य में भर जाए, ताकि शैतान का राज्य हर एक के जीवन से, हर एक के घर से समाप्त हो जाए। ओ परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।